हाँ जी बेटा बताइए, कोई आएगा आगे? किस किस को याद है? चलिए देखो, हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए थे अबाउट आयंस। अच्छा, कौन बताएगा मुझे व्हाट आर आयंस? उनकी नेमिंग लिस्ट कहाँ पर है? ये स्ट्रॉम एट थे नवलीन, इज शी प्रेजेंट? एब्सेंट। एब्सेंट। ओके, सहज प्रीत, नहीं है? हाँ एक्टिविटी जी बेटा, मैम, गोन फॉर एक्टिविटी। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। कौन सी एक्टिविटीज? ग्रैंड पेरेंट्स डे एक्टिविटी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी नॉट इन द क्लास टुडे, है ना? मैम यस। ओके चलिए बेटा, हमने सबसे पहले स्टडी किया था अबाउट आयंस, अबाउट पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। व्हाट पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड? यस, व्हाट पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एनायंस और केटायंस। कौन कौन कह रहे कि एनायंस बोलते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, एंड केटायंस कौन कौन बोल रहे हैं? पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटायंस आल्सो। बेटा देखो, मैंने आपको तरीका सिखाया था ना एक बताने का, कि आपके पास, केटाइन है, ठीक है, इसको पॉजिटिव बना दो। तो केटाइन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन। तो मुझे इसे जल्दी से मार्क करके बताओ, ये बताओ कि कौन से पॉजिटिव आयन्स हैं और कौन से नेगेटिव आयन्स हैं। यस हाँ जी, जल्दी से, इज दिस पॉजिटिव, इट इज अ कैटाइन और एनाइन? केटाइन, हम सी सी लिखते जाते हैं, Ca2+ इज अ केटाइन, दिस वन इज अ केटाइन। नहीं, तो क्या है ये? इट इज अ, कहाँ गया मेरा? चलिए, दिस इज अ एनाइन, ठीक है। चलिए, सी क्लोरीन नेगेटिव, सीएल नेगेटिव इज अ केटाइन, Mg2+ इज अ, ये ठीक लिखा है मैंने? नहीं, बोले क्यों नहीं? दिस इज अ एनाइन, केटाइन। नेम क्या है इसका? व्हाट इज दिस कॉल्ड? लिथियम। दिस इज अ पॉजिटिव आयन, केटाइन। यस, दिस वन इज अ, यस, एनाइन, एंड दिस वन इज अ एनाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मुझे बताना है। अब एक चीज और आपने बतानी है, लुक एट द क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, मार्क केटाइन एंड एनाइन व्हिच यू हैव डन एंड द इलेक्ट्रोड वेयर दे मूव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर देयर? टू। कौन कौन से होते हैं? एनोड एंड कैथोड। नाउ टेल मी, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज अ नेगेटिवली चार्ज? एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। नाउ टेल मी वेयर द Ca2+ आयन मूव। इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड और इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। हेलो ये पॉजिटिव है, अब बताओ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आयंस मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्जेस। पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अगर ये चीज समझ आएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो इसी के ऊपर सारा डिपेंड करता करता है, ठीक है। नाउ
एनो, वेयर द सी ए टू प्लस आयन मूव एट कैथोड, ठीक है, वेयर द बी आर नेगेटिव आयन मूव, कौन बताएगा क्यों जाता है एनोड की साइड, वेयर इट व्हाइट मूव टुवर्ड्स द एनोड, Because the बिकॉज opposite, they are negatively charged and they move towards the positive. हां जी, Because the व्हाइल opposite ब्रोमीन charge आयन इज मूविंग टुवर्ड्स एनोड, यस, फ्यू हैंड्स आर रेज्ड, ओके, हाँ जी, ये ब्लू टी शर्ट में जो बॉय है आई थिंक थर्ड बेंच, आ जाओ बेटा, Because of an active charge, move to positive charge. पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन इज द हैज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड हैज द पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ही विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। एक चीज और आप देख सकते हो, ब्रोमीन कौन सा आयन बना रहा है, एन आयन, ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है और एनोड भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए विल मूव टुवर्ड्स ए, सी विल मूव टुवर्ड्स सी, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है आपको जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अब आप ये देखो, कैल्शियम के साथ क्या लिखा था, सी पॉजिटिव आयन, इसको नहीं भूलना आपने, अगर आप इसको भूलोगे ना फिर आपकी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ रिमेम्बर दिस, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, तो एनायंस विल बी नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज, चार्ज एंड ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये सी की तरफ जाएगा, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, नो ठीक है, ए ए के पास, सी सी के पास, इज इट क्लियर, ये वर्क, डू यू हैव दिस वर्कशीट विद यू, यस चल उसे मार्क करो जरा जल्दी से, सारी कोई सारी चीजें चलिए जल्दी से, चलिए हाँ जी बेटा, डन, यस ओके, किसी को कोई डाउट बचा, एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क, नो, क्लियर, गुड, ठीक है, चलिए, नाउ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देयर डिसोसिएशन, मतलब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर द सोल्यूशंस विच आर यूज टू सेपरेट द आयन्स, ठीक है, जो हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं, नाउ एच सी एल, ठीक है, कैसे डिसोसिएट होगा, अच्छा देखो एक चीज और आपकी वर्कशीट में लिखी हुई है, एच सी एल इट इज एन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी एसिड्स, एसिड बेसिस और सॉल्ट, ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे एच सी एल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं, एन ए ओ एच है, ये मेरे पास क्या है, बेस, और ये तीनों जो लिखे हुए हैं सॉल्ट है और वाटर, साथ लास्ट में लिखा हुआ है वाटर, इसको हम स्टडी करेंगे, हमने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि जो वाटर है इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, ये डिसोसिएट होता है बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, हमने ये पढ़ा था जो सॉल्यूशंस आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं, आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर वो आयंस में ब्रेक होता है बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, एक्सेप्शन हो गई है ना, अच्छा प्योर वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, सॉल्व करना पड़ेगा।
उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, कोई एसिड ऐड कर दो थोड़ा सा, कोई बेस ऐड कर दो, थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दो, तो वो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। इसका रीजन देखते हैं, पहले यहां पर देख ले, ये वर्कशीट पूरी करनी है अपने साथ साथ में। HCl कैसे डिसोसिएट होगा बेटा ये आयंस में? H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे, ठीक है बेटा? इज दिस क्लियर? इसके कौन बताएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। हु विल टेल मी हाउ इट विल गेट्स आयोनाइज? क्या क्या आयंस बनने चाहिए इसके? अभी देखो ऊपर आया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में SO4 कुछ लिखा हुआ था, देखो मैंने आपको मार्क करवाया था कि एनायन होता है ये। देखो जरा अपना क्वेश्चन, देखो फर्स्ट वाला वर्कशीट में देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा SO4 करके कुछ लिखा हुआ है कहीं पर? नो नहीं है? अच्छा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो इसका लिखो बेटा H प्लस, और ये बनेगा SO4 नेगेटिव। ठीक है, जब भी डिसोसिएशन होगी एक पॉजिटिव आयन आएगा और एक नेगेटिव आएगा, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, NaOH, इसका तो कोई बता सकता है मुझे? कौन बताएगा NaOH का? वन, ओनली वन हैंड इज रेस्ड, लास्ट में से। ओके हाँ जी बेटा, चलिए आप बताइए, फर्स्ट बेंच पे जो रेड टी शर्ट में है। मैंने पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश। इट विल बी Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नेगेटिव हाँ जी, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इज कॉल्ड, जिसको नाम नहीं आता यू कैन राइट द नेम आल्सो, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, नाउ हाउ इट विल गेट स्प्लिट? इट विल गेट स्प्लिट लाइक दिस, Mg2+ एंड Cl नेगेटिव, राइट? NaCl, इट विल बी Na+ एंड Cl नेगेटिव। CuSO4, Cu2+ एंड SO4, देखो अभी ऊपर भी आया था SO4 2 नेगेटिव। वाटर का थोड़ा डिफरेंट है, वाटर को चेंज देखो जरा, वाटर कैसे होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नंबर डन, गुड, कर लीजिए बेटा, नेगेटिव सभी कर लीजिए। बाकी कौन करना पड़ता है? मैं लड़कियां कर रही हूँ, सारे तो कर रहा, यही कर रही ठीक है। है बच्चे, चलिए ये सबको क्लियर हो गया ना? यू कैन सी वन थिंग, वेयर एवर क्लोरीन इज कमिंग इट इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड विथ -1 साइन। ठीक है बच्चे, वेयर एवर हाइड्रोजन इज कमिंग इट इज ऑलवेज हैज पॉजिटिव साइन, चार्ज इट मींस हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, क्लोरीन ऑलवेज फॉर्म्स नेगेटिव आयंस। कोई नेगेटिव नया कंपाउंड भी अगर आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन विल ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन विल ऑलवेज फॉर्म
विथ नेगेटिव माइनस वन, राइट। एक चीज और देखिए, सल्फेट, ये भी दो बार आ चुका है, कौन सा साइन आ रहा है इसके ऊपर? नेगेटिव। नेगेटिव हाउ मच नेगेटिव चार्ज विथ माइनस टू? ठीक है बेटा, ये ना आपको 9th क्लास में जाके पता चलेगा, व्हाई द साइन इज, समटाइम इट इज माइनस टू, समटाइम इट इज माइनस वन, प्लस टू, प्लस वन, व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट, राइट? सो राइट फॉर दिस क्लास यू विल लर्न दिस, ठीक है? 9th क्लास में वी हैव अ प्रॉपर मेथड टू राइट दिस प्लस टू एंड माइनस वन साइंस, ठीक है? सो ये सब समझ आया। अब हम आते हैं वाटर के साथ। Now, why pure water do not conduct electricity? Pure water, देखो बेटा, आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल?
यस, क्लास 8 कैमरा ऑफ है क्या बेटा आपका? यस, आंसर कंप्लीट हो गया था बेटा? नहीं, डिस्टिल्ड वाटर का लिखा था ना हमने, सो डिस्टिल्ड वाटर। हाँ तो लिखिए, ये लास्ट लाइन लिख ली थी, सो डिस्टिल्ड वाटर, इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बल्ब विल नॉट ग्लो, ये लिख लिया था। डन, आगे लिखिए, इन केस ऑफ टैप वाटर, इन केस ऑफ टैप वाटर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आर अनइक्वल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज और अदर सॉल्ट्स। मैम प्लीज रिपीट अगेन। फ्रॉम वेयर बेटा? मैम फ्रॉम द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। आर अनइक्वल, द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आर अनइक्वल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड अदर सॉल्ट्स। अच्छा एंड दस टैप वाटर, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब विल ग्लो, एंड द बल्ब विल लो ग्लो, राइट? चलिए बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मे बी आपको पता होगा बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, बट रेंडमली फटाफट से एक बार देख लेते हैं सारा कुछ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता क्या है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या होता है? हम कई बार बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, क्रोमियम प्लेटेड, ऐसा हम एक वर्ड सुनते हैं। गोल्ड प्लेटेड तो जर्नली सुना होगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि देखो, प्लेटिंग का मतलब सिर्फ एक लेयर बनाई गई है। जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने एक गोल्ड की लेयर बना दी तो उसको हम बोलेंगे गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर की लेयर बना दी तो बोलेंगे सिल्वर प्लेटेड। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के हैंडल्स देखते हो आप कैसे होते, शाइन करते हैं। घरों में जो टैप्स होती हैं दे शाइन्स, उनके जो सिल्वर सिल्वर सी कोटिंग होती है, दे ऑल आर कोटेड, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई होती है। ठीक है, इंटीरियर जो होता है वो कोई और मेटल का होता है, कोई इंफीरियर मेटल का, जैसे कि आयरन या स्टील, उसके ऊपर फिर एक प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत स्मूथ हो, बहुत प्रॉपरली हो, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है। बाय हैंड अगर करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम एंड इट उसकी जो फिनिशिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। सो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जब हम कोई प्लेटिंग करते हैं तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो प्लेटिंग। उस इलेक्ट्रो प्लेटिंग में भी पर्पस किसका है, काम क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, आयंस ही डिसोसिएट हो रहे हैं। सपोज करो मेरे पास कोई एक कोई स्पून है लेट अस से, या कोई भी चीज है, मैंने उसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैप है, मुझे कॉपर की प्लेटिंग करनी है उस स्पून के ऊपर, तो आई शुड टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन से कलर का होता है कॉपर सल्फेट? कौन बताएगा? यस, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। मैंने ब्राउन बना दिया, ठीक है, सारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे प्लेटिंग करनी है किसकी? कॉपर की। कॉपर मेटल कौन से कलर की होती है? कौन बताएगा? कॉपर मेटल इज ऑफ इच कलर? यस, कॉपर देखा है कभी किसी ने? कॉपर की वायर देखी है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में वायर होती है कॉपर की, ब्राउनिश से कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की वायर होती है, उसको मैंने लेना है इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मैंने एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लेना है। इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को मुझे कहाँ कनेक्ट करना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। बैटरी का आपको पता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है एंड स्मॉलर वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसके साथ मुझे लेटर से कोई कोई भी आर्टिकल, लेटर से कोई आर्टिकल है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है? कॉपर की प्लेटिंग करनी है इसको हम। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो मैंने कॉपर की प्लेट ली है, इट इज नाउ एनोड और कैथोड? हाँ एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद एनोड, एंड ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया हमारा? कैथोड, राइट बेटा? इतना क्लियर हुआ? ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया है, ये कौन सा लेना बेटा? ये मुझे सारा लेना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। जब हम यहां से करंट पास करना स्टार्ट करेंगे, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? जो ये कॉपर सल्फेट था, ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? Cu2+ एंड SO4 टू नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कॉपर सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यही पढ़ते आए अभी तक हम, राइट? तो ये आयंस बन गए। अब जो ये कॉपर है, ये कहाँ आता जाएगा? इस प्लेट के ऊपर। यहां से ये जो कॉपर प्लेट है, यहां से कॉपर निकल के आता जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से जाता जाएगा कैथोड के ऊपर। आई बच्चे बात समझ? इसके ऊपर, पूरे के ऊपर नेगेटिव आयंस है, और देखो कॉपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां जाकर डिपॉजिट होगा? नेगेटिव नेगेटिव पर। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? Cu2+ को मैं क्या बोलूंगी? केटाइन और एनाइन। केटाइन, और केटाइन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से। सी कहां गया? कैथोड की तरफ, सी की साइड। एंड स्लोली स्लोली इस तरीके से पूरे स्पून के ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी कॉपर की, पूरी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे थिक लेयर बनी या कहीं पे थिन बनी, द लेयर विल बी यूनिफॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। नाउ अगर मुझे यहाँ एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, लिखो बेटा ये वाला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेडिंग डालकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके लिखिए जरा। फर्स्ट लिखिए, द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एट कैथोड, इज टेकन एट कैथोड। डन?
देन सेकंड लिखिए, एनोड इज ऑलवेज टेकन, एनोड इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, एनोड इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर पॉजिटिव आयन्स विल कम, पॉजिटिव आयन्स विल कम इन द सॉल्यूशन। ठीक है ठीक बच्चे, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है दैट इज ऑलवेज टेकन एट कैथोड, और जिसने करनी है वो हमेशा एनोड बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। आपको डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें कैथोड मार्क करने को बोल देंगे, एनोड मार्क करने को बोल देंगे, रीजन पूछ लेंगे कैथोड को नेगेटिव के साथ ही क्यों मार्क किया गया, कैथोड इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, स्पून को हमने कैथोड पर ही क्यों अटैच किया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया क्योंकि मुझे कॉपर की प्लेटिंग करनी थी, बट अगर मुझे स्पून के ऊपर सपोज करो सिल्वर की प्लेटिंग करनी हो, मुझे सिल्वर स्पून चाहिए हो, तो क्या करेंगे? तो क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे? मुझे प्लेटिंग तो सिल्वर की करनी है, तो हम यहां पर फिर क्या लेंगे? कोई भी सिल्वर का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे यहां पर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और भी बहुत होते हैं, कॉमनली ये यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। आई ठीक बेटा बात समझ, जिस चीज की प्लेटिंग करनी है ठीक है, मैं उसी का ही सॉल्यूशन लूंगी। इज दिस क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट, अगर मुझे कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो कॉपर सल्फेट, मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो सिल्वर नाइट्रेट, इसी के अकॉर्डिंग। फिर ये जो एनोड है ये भी सिल्वर का होगा रादर देन कॉपर। इज दिस क्लियर? समझ आया बेटा ये? किस किस को समझ आ गया ये? वैसे तो कर रखा होगा आपने स्कूल में, ये ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है एनो। वेरी गुड बेटा, कीप योर हैंड्स डाउन। कंफ्यूजन कहाँ होती है? वेयर द एनोड कैथोड एनायन कैटायंस का। तो इसको अभी अपने माइंड में एक बहुत क्लियर चार्ट बना के रखना है कि कैटाइन्स कैटाइन्स आर पॉजिटिव, तो एनाइन्स नेगेटिव। ठीक है, एनाइन्स नेगेटिव ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो एनोड, एनोड विल बी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? कोई Yes. डाउट इसके अंदर? इसका केस स्टडी क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज करके आओगे टॉपिक को। ठीक है, आज रिवाइज नहीं था अच्छे से सबका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपने रिवाइज करके आना है। ठीक है बच्चा? हाँ जी, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ जी, लुक एट दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है, दिस इज योर केस स्टडी क्वेश्चन। इज दिस क्वेश्चन इज इन योर वर्कशीट? हेलो नो। तो ये एक बार देखो, जैसे ये सिल्वर प्लेटिंग करनी थी कि दिस इज अ स्पून, इसको मुझे सिल्वर प्लेटिंग करनी है, ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव कहां पर लिया गया? देखो इस केस में बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्न कर दिया, यहां पर है पॉजिटिव और यहां है नेगेटिव, तो ये जो सिल्वर प्लेट है इट इज ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव, तो ये पूरी पॉजिटिव बन गई। ठीक है, स्पून इज, इसके स्पून के ऊपर सिल्वर की लेयर बनानी है, अ लेयर शुड बी डिपॉजिटेड ऑन द स्पून, सो द स्पून इज टेकन विथ नेगेटिव साइन, इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। नाउ सॉल्यूशन इज, लुक एट द सॉल्यूशन, AgNO3, AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। इज दिस क्लियर? सो सिल्वर आयन्स विल कम इन द सॉल्यूशन, एज सिल्वर इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, और पूरे स्पून के ऊपर एक सिल्वर की लेयर बन जाएगी ऑन पासिंग द करंट। करंट ऑन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि सिस्टम सेटअप कर दिया और करंट ऑन ही नहीं किया। ठीक है, हमें सिस्टम में यहां पर ना एक की लगाते हैं, बटन लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ऑन करेंगे आयंस बनेंगे एंड देन पॉजिटिव आयंस विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्पून। इज दिस क्लियर? सो लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच वी हैव डन। ये मे बी नेक्स्ट टाइम की वर्कशीट होगी बेटा, आपको मिल जाएगी। मार्क एनोड एंड कैथोड, हाँ जी, विच टर्मिनल इज एनोड? यस, एंड व्हाट इज एजी सिल्वर प्लेट और सिल्वर और स्पून? सिल्वर प्लेट ये क्या है मेरा एनोड, कैथोड क्या होगा? यस, दिस इज माय कैथोड। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, नीना फिनोमिना, डाउट। विच फिनोमिना इज गोइंग ऑन? कौन सा मैम फिनोमिना? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेम द इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया गया? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और नेम द आयंस फॉर्म्ड, कौन कौन से आयंस बनेंगे यहां से बेटा? Ag प्लस, Ag वेरी गुड। जिसको नहीं आता लिखते जाओ बेटा, आयंस फॉर्म्ड आर Ag प्लस एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, सो रिमेनिंग टू क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये लिख लिया, वर्कशीट यस आ जाएगी ना, फिर उसके ऊपर मार्क करना इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा मुझे अब एक चीज बताइए, इज देयर एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, हम गोल्ड प्लेटेड कर सकते हैं, सिल्वर प्लेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या कोई हार्मफुल इफेक्ट भी है? यस देर इज ओनली वन हार्मफुल इफेक्ट, दैट जब ये इलेक्ट्रोलाइट यूज हो चुका होता है, इट हैज सो मेनी आयंस इन इट, इसको क्या करना, डंप करना डिफिकल्ट है। ये बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, चार्ज्ड हो चुके हैं, तो इट विल पोल्यूट आर एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो चार्ज, ये जो सोल्यूशन बचेगा ना बाद में, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी आयंस ना। ठीक है, सो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इज दिस क्लियर? ठीक यस है, बेनिफिट तो बहुत पढ़ लिए है ना। चलिए, सो वर्कशीट का बेटा जो भी पेंडिंग काम है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। एक्सक्यूज मी मैम, क्लियर? हां जी बेटा बोलिए। आई हैव अ डाउट। जब सिल्वर की लेयर स्पून के ऊपर ट्रांसफर होती है तो सिल्वर का जो लेयर वो हट जाती है उसमें से? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं हटेगी, इन लॉन्ग टर्म इट मे बी रिमूव, बट इतनी जल्दी नहीं। वो केमिकली डली लगाई गई है ना उसके ऊपर, केमिकली इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट की गई है, तो इट विल नॉट रिमूव। जैसे आपके साइकिल्स हैं, मैंने कॉमन सी एग्जांपल दी थी, जब साइकिल का हैंडल है, आप अगर बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूटी में यूज कर रहे हो तो लेयर्स धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है कि यूज करते ही हट जाएंगी। ठीक है, एनी वन हैविंग एनी अदर डाउट? नो? ओके बेटा, देन गेट रेडी फॉर योर मैथ्स क्लास। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स। करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, एंड जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली जो था टॉपिक, वो भी अभी आपकी क्वेश्चन के थ्रू अभी सामने आएगा। ओके, रेज योर हैंड, मॉड्यूल है सबके पास? हाथ खड़ा करो, सबके पास है मॉड्यूल? यस, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज असर्शन रीजन। Assertion reason questions we are going to do. There are few parts, चार पार्ट है उसके। ठीक है, मॉड्यूल 1।
फर्स्ट इज आई एम रीडिंग द सेंटेंस, आप भी पेपर में देखो, शीट में देखो. असर्शन, असर्शन में यू नो सेंटेंसेस होते हैं इतने लंबे लंबे, तो उनको हमने दो बार पढ़ना है ध्यान से देखने के लिए, ताकि हमारी गलती ना हो जाए. एंड एक्सप्लेनेशन एंड पावर्स में आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नीचे वाला जो होता है बेस होता है, ऊपर वाला पावर होता है. इसको हम पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, आपको पता ही है इसका नाम. और इसको हम बोलते हैं बेस. ओके एंड यू नो 2 raised to power 5 का मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times वी आर डूइंग इट, दैट यू नो. ओके, फर्स्ट असर्शन इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. फाइनाइट का मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, ये नहीं कि पावर इसकी 1000 आ गई, पावर इसकी 100 आ गई, इतनी हाई पावर नहीं. फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, ठीक है. मान लो 6 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, जिसको हम काउंट कर पाते हैं. तो उसको व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, बीइंग मल्टीप्लाइड, जैसे 2, 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर. आपको दिख रहा है 2 2 2 हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज कॉल्ड द बेस नंबर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 5, 3 इज द बेस. हु आर सेइंग ट्रू रेज योर हैंड. आई एम रीडिंग वंस मोर, अंडरस्टैंड करके बताना है आपने. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. तो क्या होता है, द नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम बेस बोलते हैं. इज इट ट्रू, रेज योर हैंड. यस दिस इज ट्रू, यस वेरी गुड. और हाथ खड़े करो, वेरी गुड, इट इज अंडरस्टूड, वेरी नाइस, हैंड्स डाउन. सेंटेंस आपको क्लियर है कि जब भी हमारे पास बेस होता है, बेस को हम फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. असर्शन इज ट्रू, रीजन द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड. जितनी बार हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं इज कॉल्ड इट्स एक्सपोनेंट. मैंने दिस इज ऑल्सो फर्स्ट असर्शन इज ट्रू. और रीजन क्या है, हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड. यस यस ओके. ऊपर वाले एसर्शन में हमारे पास बेस की बात हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की बात हो रही है. सो दिस इज बी ऑप्शन, बोथ आर ट्रू एंड दिस इज बी. सेकेंड क्वेश्चन, एसर्शन में 6 के साथ देयर आर सो मेनी जीरोस, दिस कैन बी रिटन एज 6 into 10 raised to power 9. प्लीज काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, चेक करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है. मैम यस इट इज 12, तो हमारा असर्शन जो है वो फॉल्स है. असर्शन इज फॉल्स, यहाँ पे पावर आनी चाहिए 10 की 12. रीजन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ अ नंबर, नोटेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन. ओके, ऑप्शन एक्सपोनेंशियल डी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स इन अ वेरी कन्वीनियंट वे. ट्रू, True, true. वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड कि बहुत लार्ज नंबर होता है उसको हम जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं 10 raised to power 12, तो बहुत इजी हो जाता है लिखना. बहुत लार्ज नंबर को हमने पावर में लिख लिया, और बहुत छोटा नंबर है, मान लो आपके पास 0.00002 है, इसको भी हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा. इतनी बार जीरो लिखने के बदले में अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 2 डिवाइडेड बाय, इसका डेसिमल हटा के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 into 10 raised to power -5 आ जाएगा. तो इसको भी हमने पावर नोटेशन में लिख लिया, इज इट. तो बहुत स्मॉल नंबर है उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं,
बहुत लार्ज नंबर है उसको भी हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट फाइन? सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हु आर सेइंग ट्रू? रेज योर हैंड जिनको समझ आ गई है। यस, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो ये लिख सकते हो कि वेरी स्मॉल नंबर, ये वेरी स्मॉल नंबर है, और वेरी बिग नंबर तो आपको पता ही है, लार्ज नंबर, ये तो आपको पता ही है कि हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सो दिस इज ट्रू, फर्स्ट वाला फॉल्स था आपका, तो सेकेंड की ऑप्शन आएगी डी। ठीक है, रीजन इसका ट्रू था। क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसको कोई डाउट होगा अभी खड़े होके पूछ लेना। ओके okay? कि वाई ट्रू वाई फॉल्स, यू शुड नो इट। थर्ड क्वेश्चन, एसर्शन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर गिव्स द प्रोडक्ट एज वन। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको समझ आ गई कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर हम 7 × 1/7 करेंगे तो 1 आएगा आंसर, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/7। ओके okay? तो ये हमारा हुआ। अभी मैं इसको और क्लैरिफाई कर रही हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के मैं नेगेटिव पावर भी आपको यहां पे यहीं पे बताना चाहती हूँ। यहां पे 7 था, 7 raised to power 1, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 raised to power -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मेरे पास आया 1। इसका मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या हुआ? उसकी नेगेटिव पावर। यू नो 1/7 को हम 7 raised to power -1 लिखते हैं, पता है? तो इसका मतलब कि अगर मैं आपसे 15 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलूं, पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे 15 raised to power -1। अगर आपको बोला जाए कि 2 raised to power 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलो, तो आप क्या लिखोगे? 2 raised to power -5। समझ आ गया आपको पावर की फॉर्म में? इज इट क्लियर? एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में हमारे पास नेगेटिव पावर का, अगर हमने वो लेना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो पॉजिटिव पावर ले लेंगे। पॉजिटिव पावर का हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है, तो उसके साथ नेगेटिव पावर लगा देंगे। उसका रीजन आपके सामने ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि क्या उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता है। अगर आता है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। इज इट क्लियर? पॉजिटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव है। इज इट क्लियर यू नाउ? उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में। रीजन आपको पता होना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए आपस में। ठीक है, तो दिस विल बी ट्रू। आपने मेरे को आंसर पहले ही बता दिया था, एसर्शन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एसर्शन इज ट्रू, एंड रीजन, रीजन इज गिवन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। ट्रू, यस दिस इज ट्रू, ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी। वेरी गुड। क्वेश्चन बी। नंबर 4, असर्शन, पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स बेस एंड एक्सपोनेंट। यस, फॉर एग्जांपल भी यहां पे लिखा हुआ है, एग्जांपल से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। यस, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ है, तो ऑप्शन क्वेश्चन सी। सॉल्व से ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज फॉल्स, सो ऑप्शन इज सी। सी, ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें? दिस इज थियरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन चैप्टर, यू नो चैप्टर में जो जो आपने किया है उसके बारे में यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, देन चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं आगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नीचे आपको नोटबुक में साथ साथ लिखने पड़ेंगे ये। ओके, राइट डाउन द हेडिंग, और नीट एंड क्लीन नोटबुक में करनी है, ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 रेज टू पावर 6। -4/5 रेज टू पावर 6। -4/5 रेज्ड टू -6। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है आपने? अब तो आपको पता होना चाहिए। यस, लास्ट गर्ल, ब्लू टी शर्ट गर्ल, यस, मिडिल रो, मिडिल रो में बोर्ड के साथ जो, यस, द गर्ल वॉज रेजिंग अ हैंड। यस बेटा, -5/4 इज टू पर -6। दोबारा बोलो। -5/4 इज टू पर -6। -5/4 रेज टू पावर, -4 एक्सट्रीमली सॉरी मैम, एक्चुअली 5/-4 इज टू पर -6। रेज टू पावर -6। ओके, करके देखा है आपने? मैम 5/-4 इज टू पर -6। ओके, यू यू आर सेइंग 5/-4 रेज टू पावर -6, ये बोल रहे हो ना आप? ये बोल रहे हो? ओके, करके देखा है आपने क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है? नॉट येट। चलो कोई बात नहीं, नोटबुक में करके देखो बेटा। देखो इसमें आपने कुछ भी लर्न नहीं करना, आप ये देखो कि हम -4/5 को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप ये देखो कि -4/5 रेज टू पावर 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। 1 आंसर आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे? देखो यस, ए सेक्शन, हरजोत सिंह, हरजोत चौहान। क्लू मैंने बता दिया कि आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। 4/5 -6। इतनी जल्दी क्या है? स्लो बोलो, स्लो बोलो, थोड़ा नाइसली बोलो। मैथमेटिक्स में भी बोलने का एक मेथड होता है। हाँ जी बोलो दोबारा से। 4/5 -6। 4/5 -6, यस नेगेटिव किसके साथ लगा रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आया। 4/5 के साथ ही या 6 के साथ? यू मीन टू से -4/5 रेज टू पावर -6 ये बोल रही हो? यस ओके, दिस इज करेक्ट। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। हु आर सेइंग दिस इज करेक्ट? रेज योर हैंड। यस, क्या आपने करके देखा है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है? यस हाँ, लर्न नहीं करना कि हाँ उसके साथ नेगेटिव लगा दिया तो चलेगा, बस अंडरस्टैंड करो। ठीक है, हमने क्या किया? -4/5 था, मैंने आपको बोला था सेंटर में लिखो -4। चिंता मत करो कि हम 5 के साथ लगा रहे हो या 4 के साथ लगा रहे हो, माइनस को सेंटर में हमने लिख दिया बस। ये रेज टू पावर 6 हो गया, इसको हम -4/5, सॉरी उल्टा करके अगर करें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, -4/5 रेज टू पावर -6। -6 का मतलब क्या है कि इसका रिवर्स हो गया, इसका मतलब क्या है? 1/-4/5 रेज टू पावर 6, यही मतलब हुआ ना कि ये डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? -5/6, 4 रेज टू पावर -6, सॉरी 6। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप 2 वे से आंसर बता सकते हो। आपने बोला कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये बिल्कुल ठीक है। कई बच्चों ने इसको ऐसे लिखा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। माइनस पावर का क्या मतलब होता है? इसको अगर हमने, मैंने पॉजिटिव पावर बनानी है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगी ना।
ऐसे ही होता है ना कि अगर इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दूंगी तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव 6 बन जाएगी। तो जिन बच्चों ने -4/5 6 किए वो भी ठीक है, जिन बच्चों ने -4/5 6 किए वो भी ठीक है। इज इट क्लियर व्हाई? रीजन पता चल गया सबको? रीजन पता चला? वेरी गुड। ओके, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 raised to power -2। सबने नहीं बताना, आई विल कॉल द नेम। बी सेक्शन, अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह 5/4, +2 5/4 raised to power +2 करके देख लो दोनों को। करके देखा आपने? ये -2 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 5/4 raised to power 2 से, क्या ये आंसर 1 आएगा? चेक करो जरा। आंसर बोलने से पहले यू हैव टू चेक कि उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है कि नहीं। क्या ये 1 आएगा? बच्चे कैन यू हियर मी? हेलो बेटा। हाँ जी बेटा, चेक करो बेटा, ये 1 आएगा इसका आंसर? अमितपाल, आप आर यू आर टेलिंग मी 1 आएगा कि नहीं? हाँ ओके, नोटबुक में राइट राइट एंड चेक, बैठ जाओ, लिख के चेक करो कि आंसर 1 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने से। बैठ जाओ बेटा। सिट डाउन, सिट डाउन। आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट ऑन द नोटबुक एंड चेक कि क्या इनका आंसर 1 आ रहा है। सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन। दैट फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट गर्ल इन द मिडल रो, फर्स्ट गर्ल इन द मिडल रो, बेटा ये इसको ऑन करो जरा। फर्स्ट गर्ल इन द मिडिल रो, फर्स्ट गर्ल इन द मिडिल रो,
हेलो मैम, हेलो बेटा, वीडियो ऑन करो बेटा। यस यस, फर्स्ट गर्ल इन द मिडिल रो। यस, बता दो बेटा, येलो टी शर्ट गर्ल इन द फर्स्ट बेंच ओनली। यस प्लीज टेल मी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका। 4/5 raised to power 2। एक्सेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1। दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो हम बोलेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जस्ट सी, इसका मतलब क्या है। 4/5 raised to power 2 है और इसके नीचे है 4/5 raised to power 2। इसका मतलब ये हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे ही आपके पास नेगेटिव पावर आती है उसको डिनोमिनेटर में काउंट करो, फिर आपको पता चलेगा कि इन दोनों का आंसर जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, सिंपल आपको देखना है कि अगर नेगेटिव पावर है उसकी पॉजिटिव पावर जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इनको रिवाइज करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2/3 raised to power। राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल। -3/4/3 raised to power -2। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन केयरफुली। 2/3 raised to power -3/4/3 raised to power -2। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए इनको सबसे पहले तो पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव पावर क्या बनेगी। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। सिमरन 8 थे, सिमरन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे। यस हाँ जी बेटा, ये नेगेटिव पावर है ना, यस इसको पॉजिटिव करो पहले। वैसे तो कर 3/2 raised to power 3 इसकी पॉजिटिव पावर बन जाएगी रिवर्स करके। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4 raised to power 2, ये इसकी पॉजिटिव पावर बन गई। सबसे पहले हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। ओके मैम। ठीक है, ओके सिट डाउन। देन फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि जब भी हम डिवीजन करते हैं इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। पढ़ा था ये डिवीजन आपने फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास 1/2 / 1/5 है तो इसको कैसे करते हो, 1/2 × 5/1 कर देते हो। ये पढ़ा था आपने डिवीजन कैसे करते हैं टू फ्रैक्शंस की। ओके, अब इनको पावर नोटेशन में यूज करो जैसे आप करते हो हमेशा। 3 raised to power 3 / 2 raised to power 3 / 4 raised to power 2 / 3 raised to power 2। किसी को कोई डाउट है टिल हेयर, आगे आके पूछो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये आपके पास नेगेटिव पावर थी, इसको हमने नेगेटिव को सबसे पहले पॉजिटिव में किया। ठीक है, पॉजिटिव में करने के लिए हमें इसे रिवर्स करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है इसे। उसके बाद हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके जो सेकेंड वाला नंबर है उसको हमने रेसिप्रोकल लिया। राइट, अब इसको पावर फॉर्म में यूज करो। 3 raised to power 3 - 2, ओके, एंड (2)/2 raised to power 2 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3। ये तो पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर रही हूं। यू कैन सी इट, जो 3 जो पावर 2 नीचे थी वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी।
और यहाँ पे हमने 4 को ब्रेक कर लिया, 2 raised to power 2, और उसके ऊपर 2 कर दिया, देन इट विल बी 3 raised to power 1 इंटू 2 raised to power 4 -3। ये अपने रूल्स भी किए हुए हैं आपने, डिनोमिनेटर में जो होता है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है, इट विल बी 3 raised to power 1 इंटू 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 6। समझ के नोट करना, एवरी स्टेप शुड बी अंडरस्टूड, और कोई डाउट है तो खड़े होकर पूछ लो। ओके गुड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बहुत सारे रूल यूज हो रहे हैं। एक रूल आपका यहां पे यूज हो रहा है, स्टार लगा रही हूं कि आपने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में किया। एक रूल आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, राइट? और यहाँ पे एक रूल आपका यूज हो रहा है जहां पे आपने पावर्स को माइनस किया, फोर को पावर के फॉर्म में लिखा, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसको हमने नेगेटिव में बना लिया। हाथ खड़े करो, किस किस को समझ आ गया ये क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज इसको रिवाइज भी करना है आपने। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सिंप्लीफाई 5 raised to power -1 इंटू 2 raised to power -1 डिवाइडेड बाय 6 raised to power -1। सबसे पहला हमारा काम होता है उसको पॉजिटिव में बनाना, पावर को, ताकि क्वेश्चन हमारा इजी बन जाए, ठीक है? इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो, 1/5 इंटू 1/2 पॉजिटिव पावर बन गई, डिवाइडेड बाय 1/6। सबकी पावर पॉजिटिव बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, डिवीजन के साइन को सॉल्व करो, ये वो आपके पास हो गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 6/1। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे लिखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 6/10, दैट इज 3/5। लोएस्ट टर्म में उसको आंसर में, आंसर को हमेशा आपने लोएस्ट फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है? वो चीज आपको हैबिट आपको छोटी क्लास में डाली गई थी कि कोई भी आंसर हमने ऐसे नहीं छोड़ना, हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर बताना है, ठीक है बेटा? चलो दैट्स इट, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्लीज डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, दो स्टेप का क्वेश्चन है, पावर का पावर है बस वहां पे, ठीक है? डू इट योरसेल्फ। आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 81/16 शायद, चेक कर लेना, ठीक है? डू इट योरसेल्फ। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा। आ गया।